करते हैं, एक एकड़ में लगते हैं और एक फूल पे 4 पौधे के साथ 2000 पौधे लग जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंश मिश्रा, मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग आए शाहजहाँपुर, जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि वहाँ में कुछ प्रोग्राम आज होना है, साथ किसान मेला लगा हुआ है। तो हम लोगों के लिए भी जो है इन्विटेशन था, तो वहीं पर जाकर देख रहे क्या लोकेशन है अभी कार्यक्रम की। ये जो है शाहजहाँपुर का RTO ऑफिस है और इधर ही सामने जो है कृषि विज्ञान केंद्र है। किस तरह से हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के ये देखो जो है कृषि विज्ञान केंद्र में हमारी वाली स्टैंडी लगी है। जो सहयोग है इसकी वजह से इस बार हम लोग पराली के जो जलती थी पहले घट रहा है उसको हम लोगों ने रोक लिया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ये कम लागत में और अधिक समय तक एक बार आप इसको लगा लें तो कई सालों तक आपको अच्छी उपज देती है और इसका भी फल है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत महंगा है। और ये ऐसी जगह पर जो आपकी बंजर है, रुशर है, जहाँ पर कोई फसल नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ फसलों की सबसे बड़ी समस्या है बंदर और गाय, उसको भी ये नुकसान नहीं करते। तो मैं हमारे बीच में अंशुल मिश्रा जी उपस्थित है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा। अधिकांश लोग बोलेंगे चाइना का है, तो चाइना का नहीं है, उसकी जो बनावट होती है उसके कांटे ऐसे होते हैं, उस बनावट की वजह से उसे ड्रैगन फ्रूट कहा गया। तो आपको शॉर्ट में बता देते हैं, समय कम है, गर्मी ज्यादा है, तो एक फल एक ऐसा फल है कि नॉर्मली आप धान गेहूं जो भी खेती करते हैं आपको हर 4 महीने 6 महीने बाद फसल लगाने द्वारा, गन्ना कर रहे हैं तो आपको वो प्रक्रिया हर 2 से 3 साल बाद करनी है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट की फसल एक ऐसी फसल है कि आप एक बार लगा देंगे तो आपकी पूरा जीवन गुजर जाएगा उससे। जैसे हमारा अभी जवानी शुरू हुई लगभग 25-28 साल के हैं, हमने लगाए अगले 25-30 सालों तक इसमें फल आता रहेगा। एक बार आपको फसल लगानी है, 25-30 साल तक आपका फल आएगा साल में साल। ये हैं डॉक्टर महेश जी, जो यहीं पे KBK में कार्यरत हैं। तो अभी जो हमारी भी स्पीच थी, हम भी बता के आ गए, तो जैसे बता के उसके बाद बहुत सारे किसान जो आ गए वो नंबर या जो पैम्पलेट वगैरह था वो लेने के लिए आ गए। पैम्पलेट ख़त्म हो गया तो सारे बोल रहे हैं यहीं KBK में ही उपलब्ध करा दो वो, तो 150 या 200 पैम्पलेट जो यहीं पर लगवा दें तो किसान लेते रहेंगे यहीं से आगे चलते हैं। सभी सम्मानित किसान
बताओ एकदम पहले। एक गायत्री परिवार के हैं, उनकी तरफ से सभी को सम्मान किया गया अभी है। और उसमें से 80,000 लाने का खर्चा, बीमे का खर्चा, रख रखाव का खर्चा हो सकता। अशोक कुमार यहाँ पर उपस्थित है आज के अवसर पर, यहाँ के केंद्र के अधिकारी अरविंद पटनी जी, प्रसाद साहब, भूषण बहन जी, जो भी जो सभी किसानों को सम्मान किया, जो भी प्रगतिशील किसान हैं, जो भी स्टॉल वगैरह लगे थे कंपनियों के, गन्ना संस्थान के सभी अधिकारियों को भी सम्मान किया गया। तो अभी जो है प्रोग्राम वगैरह हो गया कंप्लीट, अब हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। कभी कैसे टाइम हो ज्यादा हो चुका, 3 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। बार 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 हारन पे हारन मारता है। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद पापा तो जुट गए मोबाइल में अपने प्रचार प्रसार में, ड्रैगन फ्रूट के जितने भी ग्रुप हैं सब पे ये न्यूज भेजने के लिए कि अंशुल को सम्मानित किया गया। ऐसे ही प्रचार होता है हमारे खेती का, हमारे गांव चिलौवा का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा।